किसने बढ़ाए बिजली के दाम, क्यों खामोश है कांग्रेस सरकार, क्या जनता को बढ़ते बिजली के दामों से मिलेगी राहत, करंट बिल ज्यादा आने की क्या है असल वजह, देखिए मेरे साथ हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। क्या आपके घर का बिजली बिल ज्यादा आ रहा है जबकि 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का सरकार ने ऐलान भी किया है, ऐसे में हद से ज्यादा करंट बिल आने की क्या है वजह जिससे जनता है परेशान, चलिए जानते हैं। इससे पहले कि इस न्यूज को आप पूरा देखें तभी आपको पता चलेगा कि असल वजह क्या है। तो चलिए पहले जानते हैं यूनिट मतलब क्या। अगर आपको 200 यूनिट का लाभ चाहिए तो पहले आपको यूनिट क्या है जानना जरूरी है। यूनिट यानी करंट को तोलने का माप, जिस तरह चावल दाल को केजी में तोलते हैं, दूध तेल और पानी को लीटर में तोलते हैं, उसी तरह करंट कितना इस्तेमाल हुआ है उससे यूनिट में तोला जाता है। ये जो मीटर होता है वो बिजली कितनी खर्च हुई है इसकी जानकारी यूनिट में देता है। यूनिट मतलब कितना, यूनिट यानी 1 kWh, 1 kW होर्स, यानी 1000 बिजली वैट को 1 kW कहते हैं। एक घंटे में 1000 वैट का इस्तेमाल होगा तो उसे एक यूनिट कहते हैं। अगर इसे सिंपल में समझाऊं तो आपके घर का 100 वैट का बल्ब 10 घंटे तक जलता रहे तो वो एक यूनिट बिजली खर्च करता है जिससे एक यूनिट बनता है। 100 वैट का बल्ब एक घंटा जलता है तो इसका मतलब है वो 100 वैट बिजली इस्तेमाल करता है। आपके इलेक्ट्रिक मीटर में यूनिट और kWh लिखा हुआ आपने देखा होगा। अब आप जान गए होंगे कि यूनिट क्या होता है। चलिए आप जानते हैं कर्नाटक में पर यूनिट करंट चार्ज कितना है। शहरों में अलग होता है और गांव में अलग। हम शहर की बात करते हैं। स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं वो ओल्ड रेट चार्ट है। 2022 की बात करेंगे तो उस वक्त पर यूनिट का चार्ज था रेसिडेंटल यानी घरों का एक यूनिट से 50 यूनिट तक 4.10 रुपए और 51 यूनिट से 100 यूनिट तक 5.60 रुपए और 101 यूनिट से 200 यूनिट तक था 7.15 रुपए। अब 2023 में जब बीजेपी सरकार थी तब पर यूनिट चार्ज को बीजेपी सरकार ने बढ़ा दिया था, जो अप्रैल से ही कर्नाटक की जनता को लागू भी हुआ है। चुनाव के चलते और नीति संहिता जारी के कारण इसका ऐलान हो नहीं सका था, यानी जनता को इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब चलिए जानते हैं अब बीजेपी सरकार ने पर यूनिट पर कितना चार्ज बढ़ाया था जो अब हमें देना पड़ रहा है। जो आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं ये 1 अप्रैल 2023 का नया यूनिट रेट चार्ट है, जिसमें एक यूनिट से 50 यूनिट तक 4.75 रुपए किया गया है। यानी ओल्ड चार्ट के मुताबिक 1 यूनिट पर 65 पैसे एक से 50 यूनिट तक बढ़ाए गए हैं। 51 यूनिट से 100 यूनिट तक जो पहले 5.60 रुपए था अब इस नए रेट चार्ट के मुताबिक 7 रुपए किए गए हैं, मतलब 1.40 रुपए बढ़ा दिया गया है। और कमर्शियल बिल में जो यूनिट पहले 8.40 रुपए था उसे 8.50 रुपए किया गया है, 10 पैसे बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही FAC भी बढ़ाया गया है। आप अपने करंट बिल के रसीप्ट में देख सकते हैं FAC का ये कॉलम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अप्रैल से पहले सिर्फ
57 पैसे था, अब ये भी बड़ा हुआ है, 57 पैसे से सीधे 2.55 रुपए FAC यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के नाम पर अब आपको हर एक यूनिट पर 2.55 रुपए अलग से देने होंगे, जो पहले 57 पैसे था। अगर आप ये 2.55 रुपए में से 57 पैसे माइनस करते हैं तो 1.98 रुपए FAC प्रति यूनिट बड़ा है। अब इन सभी को टोटल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक यूनिट बिजली पर अब आपको कितना देना पड़ रहा है। FAC 1.98 रुपए प्लस न्यू यूनिट चार्ज 1.40 रुपए को मिलाएंगे तो 3.38 रुपए होते हैं। इसका मतलब है हर एक यूनिट पर 3.38 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब आपको हर एक यूनिट पर 3.38 रुपए ज्यादा देने होंगे, जो आप पहले पर यूनिट और FAC को जोड़कर 6.17 रुपए पर यूनिट देते थे, अब वो 9.55 रुपए हो गया है। और कमर्शियल यानी कारोबार करने वाले जो पहले 8.97 रुपए पर यूनिट देते थे, अब उनको बढ़ाकर 11.05 रुपए कर दिया गया है। हर यूनिट पर इन्हें 2.08 रुपए ज्यादा देने होंगे। और जो ज्यादा यूनिट बताया जा रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहले बिल जो आपको 1 तारीख तक आ जाता था, वो बिल आप 9, 10, 11, 12 यहाँ तक के अभी भी बिल आ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इन 9 दिन या 10 दिन जो भी जिस डेट को आपको बिल पहुंचा है, वो डेट भी इसमें मिलाकर आपका यूनिट ज्यादा बताया गया है। तो उसी के चलते जो पिछली दफा का यूनिट और इस यूनिट में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसे भी आपको समझना होगा। मगर हकीकत ये भी है कि आप हर यूनिट को आपको सरकार को 3.38 रुपए ज्यादा देना होगा। अब आपके घर के बिजली के हर यूनिट पर 3.38 रुपए बढ़ा देने से आपका बिल ज्यादा आ रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी के किस तरह बिजली को बढ़ा दिया गया है और कितना बढ़ा दिया है और किसने बढ़ाया है, आपको पता तो चला होगा। मगर अफसोस, जिसने बिजली दाम बढ़ाए हैं वो भी जनता को बेवकूफ बना रहा है, और जिसने नहीं बढ़ाए हैं वो सरकार भी खामोश बैठी है। मेरा कहने का मतलब है, BJP सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए और उसी पार्टी के कई नेता ज्यादा बिजली बिल आने पर मौजूदा सरकार कांग्रेस पर इल्जाम लगाते दिख भी रहे हैं और अपने आप को दूध का धुला बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, वो सरकार 200 यूनिट बिजली अगस्त या जून में देने की बात कह रही है। मगर जो दाम BJP सरकार के शासन में बढ़ा दिए गए हैं, जिससे जनता परेशान है, उस जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रही है। अगर मौजूदा कांग्रेस सरकार चाहे तो बिजली के दाम पहले की तरह ही कम कर सकते हैं, मगर वो भी खामोश। क्या कांग्रेस सरकार इस बढ़ती बिजली के दामों के मार से जनता को राहत देगी? अपनी राय नीचे दीजिए और देखते रहिए B News Nation हक की आवाज।